नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षित एकेडमी। और आई होप आप सभी जो है MPPSC मेंस की तैयारी में जुट गए होंगे। क्यों? इसके दो कारण हैं। पहला, MPPSC मेंस 2021 की एग्ज़ाम जुलाई में होने वाली है और इसी के साथ हाल ही में जो प्री 2022 का एग्ज़ाम हुआ है, जिनको संभावना है कि हाँ वो क्वालिफाई कर जाएंगे, तो उनके लिए भी मेंस की तैयारी करना ज़रूरी है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम मेंस की मेंस को 360 डिग्री के एंगल में सर्कल के तौर पर समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम MPPSC के बारे में। आप सभी MPPSC की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि अगर हमें इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना है तो हमें तीन फेज से गुजरना होगा, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो प्री जो होता है एक जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, एक चलने की तरह काम करता है, जहां पर योग्य उम्मीदवार को जो सीटें प्रकाशित की जाती है, विज्ञप्ति में डाली जाती है, उससे 15-20 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है और मेंस के लिए सिलेक्ट किया जाता है। इसी के बाद होता है मेंस। मेंस जो होता है लिखित फॉर्म में होता है और यहाँ पर टोटल 1400 नंबर का होता है। इसी प्रकार इंटरव्यू 175 नंबर का होता है। तो 1575 नंबर में से कौन कितने ज़्यादा नंबर ला रहा है, ये डिसाइड करता है कि हम इसमें सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो अब हम बात करते हैं मेंस के बारे में। तो हमारा MPPSC मेंस में जो होते हैं, बिल्कुल आप इस सर्कल की तरफ समझे तो यहाँ पर बेसिकली 6 ब्लॉक में हमने इसको बताया है। फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड है, ये फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो यहाँ पर जो सिक्स है ये 6 पेपर है, फर्स्ट पेपर, सेकेंड, इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो फर्स्ट पेपर है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। यहाँ पर इनको मिलाकर जो है 10 यूनिट सम्मिलित होती है, ठीक है। और इसी प्रकार ये हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री आ जाता है, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी वगैरह इंक्लूड होता है। इसी प्रकार जो पेपर सेकंड होता है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट पार्ट में पॉलिटी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे विषयों की यूनिटें सम्मिलित होती है, और इसी प्रकार जो सेकंड पार्ट है उसमें इकोनॉमी सोशियोलॉजी के जो है यूनिटें सम्मिलित की जाती है। मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में इकोनॉमी रहता है और इंडिया के लेवल में रहता है। और फिर होता है पेपर थर्ड, ये जो है इसको हम बोलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर। बेसिकली इसमें सभी जैसे कि फिजिक्स के एक यूनिट हो गया, एक यूनिट केमिस्ट्री का हो गया, बायोलॉजी का हो गया, आपका कंप्यूटर का हो गया, मैथ्स का हो गया, हेल्थ सेक्टर से हो गया, एनर्जी हो गया, तो इस प्रकार के जो है सम्मिलित होते हैं इसमें। तो अगर हम इन तीनों पेपर की बात करें, तीनों पेपर जो है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग पेपर होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिक होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं हम अगर कह दें, क्योंकि प्री में भी हम इन्हीं में से पढ़ते हैं। इसकी 10 यूनिट होती है पेपर फर्स्ट की, पेपर सेकंड की 10 यूनिट होती है, पेपर थर्ड की 10 यूनिट होती है, यानी कि जो 30 यूनिट है ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और एक यूनिट होती है 30 नंबर की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक यूनिट जो है पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड की हम बात करें 30 नंबर की होती है। तो इसी प्रकार से जो टोटल इसकी 30 यूनिट है वो कितने मार्क्स की हो जाएगी, 900 मार्क्स की, यानी कि 1575 में से 900 नंबर जो रहते हैं वो मेन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट के रहते हैं जो हम प्री में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें काफ़ी सतर्क रह के चलना पड़ता है, काफ़ी कुछ देखना पड़ता है। अगर हम इन तीन यूनिट के रिस्पेक्ट में बात करें तो इसमें एक पैटर्न काम करता है। अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि एक यूनिट का वेटेज कितना है, 30 नंबर का। हर 30 नंबर में भी कुछ इस प्रकार से रहते हैं, तीन क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस उसका, और ये जो होते हैं दो क्वेश्चंस आते हैं लघु उत्तरी, और एक क्वेश्चन आता है दीर्घ उत्तरी। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस डिवाइड रहते हैं, ये आपको एक या दो लाइन में लिखना रहते हैं तीन क्वेश्चंस, ये आपको 5 से 6 लाइन में लिखना रहता है, और ये आपको 200 वर्ड्स में लिखना रहता है। तो यहाँ पर एक यूनिट से 6 क्वेश्चंस आते हैं, तो 10 यूनिट से कितने क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, 60 क्वेश्चंस। तो 60 क्वेश्चंस जो है पेपर के पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये बातें हो गई, इतनी क्वेश्चंस का पैटर्न यहाँ पर भी अप्लाई होता है और यहाँ पर भी अप्लाई होता है, यहाँ पर चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं। अब हम बात करते हैं पेपर फिफ्थ की, जो कि इथिक्स का पेपर होता है, नैतिक शास्त्र, नैतिक शिक्षा हम इसे कह लें। 200 मार्क्स का होता है, 5 यूनिट में डिवाइड होता है।
ठीक है, यहाँ पर इसके बाद आता है हिंदी का पेपर, इसमें से 200 नंबर का टोटल पेपर होता है और हिंदी में सेलेनियस होता है, ये यूनिट में जो है नहीं बटा हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं, किसका पैटर्न दे रखा है, उस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन इसके अलावा ऐसा राइटिंग होता है जो कि 100 नंबर का आता है। तो ये तीनों ही पेपर जो होते हैं, अगर हम इसको बहुत इनिशियली पर डे एक दो घंटे भी पढ़ेंगे तो यहाँ पर इजी है और बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हैं 500 मार्क्स यहाँ पर इसके बन रहे हैं, ये 900 था और ये है 500 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं, तो आप इसको भी बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो ये रही 6 पेपर की चर्चा। यहाँ पर एक्चुअल में वीडियो लाने का एम यह है कि आप पेपर की पूरी जो सर्कलॉजी है उसको समझे, वैसा व्यवहार करें, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। अभी हम आने वाले वीडियो में ये भी बात करेंगे कि जो 30 यूनिट है ट्रेडिशनल सब्जेक्ट की, इन 30 यूनिट में से कुछ यूनिट ऐसी है जो बहुत सिंपल है, अगर आप उसमें थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे ले तो वो जल्दी कंप्लीट हो सकती है, प्लस यहाँ पर वो आपको काफ़ी कवरेज भी देगी, क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि एक यूनिट में से 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उन यूनिटों का भी जो होता है महत्व होता है। तो जैसे कि हम अगर बात करें पेपर फर्स्ट के जो सेकंड पार्ट है उसमें जो यूनिट 4 through 5 है वाटर वगैरह के ऊपर, जीपीएस टेक्नोलॉजी के ऊपर दे रखा है, बहुत सिंपल है। तो ऐसे हर एक पेपर में एक यूनिट बहुत सिंपल है जिसको आप अगर अच्छे से कवर कर ले तो आपकी कमांड बेहतर होगी। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।